हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इट्स मी नायला खान, इट्स मी शायला। और दोस्तों, आज आपको बड़ा मजा आने वाला है वीडियो देख के, क्योंकि नाज़िया इलाही खान और दिली का दीपक दोनों ही एक फ्रेम में हमें नजर आने वाले हैं। और नाज़िया इलाही खान जो है वेस्ट बंगाल से जी दिल्ली पहुंच चुकी है, और ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं सब सनातनी भाइयों को। और वीडियो देखते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले, जिन फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को, हमें तो एक मर्द के साथ चार चार बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमें हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ता कराया जाता है, हमारा तो मसियार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से। और अवेसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झाँकते रहते हैं, वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झाँक झाँक करके। अवेसी को तो और कोई काम है नहीं, अवेसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है। मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 24 घंटा पहले की एक न्यूज़ है कि एक मौलवी साहब ने एक 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया, एक सिख की बच्ची का लंदन में एक मुसलमान ने रेप कर दिया है, 15 साल की बच्ची है। तो आप जहाँ भी देखिएगा, जिस तरफ भी नजर डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और या तो फिर गैर धर्म की लड़कियों को उठा उठा करके जिहाद के नाम पर उनकी आप लूटी जा रही है। इमाम साहब ने मुझे पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मना ली। मच्छी खा रहे थे ना, तो दीदी भले मुस्लिम है मगर ये सनातनी मुस्लिम है हमारी बहन, नाज़िया इलाही खान उर्फ सनातनी राम भक्त है हमारी बहन। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मज़हब में कभी नहीं देखा। और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन ये नवरात्रि मनाने से जो भी मुस्लिम नेता हैं, ये गला फाड़ना शुरू कर देते हैं और छातियाँ पीटना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, अफगान चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, अगर भारत में सुकून नहीं मिल रहा है तो कहीं और जाकर के मुस्लिम मुल्कों में अपना सुकून ढूंढ लो, लेकिन जाएगा नहीं। अवेसी अगर छाती पीटेगा जाकर के पाकिस्तान में, तो इमरान खान की तरह उसको भी कैद बामुशक्कत में भेज दिया जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब सनातनियों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि खुद को कमजोर साबित करने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत मेरा है और इस भारत की सभ्यता को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मैं मानूंगी ना, मेरा जन्म यहाँ हुआ। आप पढ़े लिखे हैं, आप लव जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना, गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बेटी का बलात्कार कीजिएगा, इज्जत आबरू के साथ खेलिएगा, इज्जत तार तार कीजिएगा महिलाओं का, नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। आप रोज़ सुबह में उठ करके देवी के चरणों में फूल डालते हैं, आप उसका सलवार कैसे खोल पाइएगा, आप उसकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खेल पाइएगा? लग जाए, खाक में मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये भारत मेरा है और इस भारत की सभ्यता को मैं नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मैं मानूंगी ना, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। मच्छी खा रहे थे ना, तो दीदी भले मुस्लिम है मगर ये सनातनी मुस्लिम है हमारी बहन, नाज़िया इलाही खान उर्फ सनातनी राम भक्त है हमारी बहन। वो लोग चिढ़ा रहे थे मच्छी खा के, और ये बता रहे हैं कि जब धर्म सब एक है, अगर ये कहते हैं तो नवरात्रों का और सावन में मुर्गा बकरा खाने से ना, सामने वाले को चढ़ाने से तो मोदी जी को हरा नहीं सकते। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो इसमें राजनीति को लाना भी नहीं चाहते हैं, मगर जिनको मिर्ची लग रही है ना वो संतरे छिल ले। लेकिन इस तरीके से नवरात्रों के दौरान और ऐसे दिखाना मीडिया में वो सही मीडिया वाला, संतरे छिल लो, घिया छिल लो, प्याज छिल लो, आना मोदी है। तो दीदी गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, आना मोदी है। नवरात्रों में सामने आप हनुमान मंदिर दिखा दो भाई साहब एक बार कैमरा में, आप देखो सामने हनुमान मंदिर है, और दीदी जो है ना वेस्ट बंगाल की शेरनी है, वेस्ट बंगाल से दिल्ली आई है। अब दिल्ली में अगर वो अपना काम करने के बाद उन्होंने स्पेशल बोला कि नवरात्रों के पर्व पर मैं नॉनवेज तो छोड़ा हुआ है मगर साथ के साथ मैं जाकर कन्याओं का पूजन, कल अष्टमी है नवमी है, तो क्यों ना हम कन्याओं को चुन्नी के साथ साथ, ये देखो ये कितनी प्यारी प्यारी कन्या, लो बेटा लो, जय श्री राम, जय माता दी, लो ये देख रहे हो आप ये बच्चे हैं, तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना वही सीख रहे हैं। जब ये नाज़िया दीदी की उम्र में पहुंचेंगे तो ये भी बड़े फख्र से कहेंगे कि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पर आकर, तब तक तो फिर हम बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि ये 20 साल बाद की बात होगी दीदी, मगर रहेंगे तब भी हम लोग, जान तुम्हारी तब भी नहीं छोड़ेंगे, धर्म के लिए देश के लिए काम करते रहेंगे। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना ये सब अब जाग चुके हैं, ये खुल के कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम।
ये सब जाग चुके, देखो वो लड़का इतनी तेज चिल्ला रहा है, पहचान भी गया मेरे को। तो इसीलिए नाजिया दीदी जैसे लोग गोदी में ले लो, लंच बॉक्स ये देखो प्लेट है, प्लेट है, रुको हम प्लेट लाए हैं एक जगह के लिए। तो नाजिया जी आप मुस्लिम औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी नवरात्रों के इस पावन अवसर पर? मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत मैंने होली बहुत धूमधाम से मनाई, मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, अब तो हर साल 22 जनवरी को दिवाली मनाऊंगी हर साल। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मज़हब में कभी नहीं देखा। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को देवी स्वरूप माना गया है, और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आ करके इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्या इस्लाम धर्म में बेटियों को देवी देवता नहीं माना? बिल्कुल नहीं, देवी देवता हमें तो एक मर्द के साथ चार चार बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मसियार कराया जाता है, हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवेसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झांकते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झांक झांक करके। अवेसी को तो और कोई काम है नहीं, अवेसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म की बेटियों की आवाज़ हम सबको बनना चाहिए। अच्छा दीदी, ये मुस्लिम युवक जितने भी होते हैं या मुस्लिम जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख क्यों नहीं पाए? देखिए क्या रीज़न है, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आप लव जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना, गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बेटिएगा, इज्जत आबरू के साथ खेलिएगा, इज्जत तार तार कीजिएगा महिलाओं का, नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। आप रोज़ सुबह में उठ करके देवी के चरणों में फूल डालते हैं, आप उसका सलवार कैसे खोल पाइएगा, आप उसकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खेल पाइएगा? यही रीज़न है कि अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है, मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 24 घंटा पहले की एक न्यूज़ है कि एक मौलवी साहब ने एक 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया, एक सिख की बच्ची का लंदन में एक मुसलमान ने रेप कर दिया है, 15 साल की बच्ची है। तो आप जहाँ भी देखिएगा, जिस तरफ भी नज़र डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और या तो फिर गैर धर्म की लड़कियों को उठा उठा करके जिहाद के नाम पर उनकी आबरू लूटी जा रही है। तो इन सारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। हम जैसे लोग अब रोड पे आए हैं और हर किसी को बताएंगे कि क्राइम को और अश्लीलता को मजहब का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है। अच्छा दीदी, अब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जा रहा है, तो वहीं ओवैसी जी गला फाड़ना शुरू कर चुके हैं, क्या लगता है आपको कि क्या भाग्यनगर हो जाएगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी। और अवेसी के गला फाड़ने से कुछ नहीं होता है, एक गली कुचे का एक लुच्चा सा एक नेता है, इसके अलावा कोई देश का नेता नहीं है वो। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और मुझे नाजिया अली खान की बात बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर जी औरतों को सनातन धर्म में उनकी पूजा की जाती है, नवरात्रि में खास तौर पर जो है महिलाओं की पूजा की जाती है, बच्चियों की पूजा की जाती है, उनको लाल चुनरी पहनाई जाती है, उनको माता सम्मान समझा जाता है। और जिस माशरे के अंदर खवातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है वो माशरा हमेशा बुराइयों से दूर रहता है, क्योंकि एक औरत के अंदर एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है, ठीक है, और उससे मुमानी चची हर रिश्ता एक औरत से मुंसलिक है। तो जब आप एक औरत की इज्जत करते हो तो आप उससे जुड़े हर रिश्ते की क्या करते हो, इज्जत। तो बाअदब कौमें वही होती हैं जो अपने खवातीन का एहतराम करती हैं। अब इस्लाम और सनातन धर्म में बहुत फर्क है। पहली बात है, सनातन धर्म बहुत पुराना है, मैं वैसे तो 1 लाख
साल लोग कहते हैं कि तब से है, लेकिन चलो हम 10,000 साल को काउंट कर लेते हैं जो करीब करीब फिगर है, और इस्लाम को 1450 साल हो बीत गया है। 10,000 साल और 1450 साल का बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो ये 1% है और वो पूरा 10% है, ठीक है। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि इस्लाम औरतों को किसी और निगाह से देखता है, जैसे कि मर्द का रुतबा एक दर्जे बुलंद है, मर्द के लिए 72 हूर्स हैं, औरत का दर्जा भी बुलंद है क्योंकि वो इन होरों की सरदार होगी। अब औरत को ये ऑप्शंस अच्छी लग रही है नहीं लग रही, लेकिन मतलब हाँ। ये है। तो जो इस्लाम फॉलो करती है वो इसी में खुश है कि चलो ठीक है भाई कुछ तो है, लेकिन जो डिफरेंट रिलीजन से लोग कनेक्ट होते हैं वो सवाल उठाते हैं कि भाई ये क्या है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना भी है इस्लाम के मानने वालों का, और इस पे यकीन भी बहुत है कि भाई बेटी जब आपकी जवान हो जाए तो उसको फटाफट जो है उसकी शादी करा दो। हालांकि आज के जमाने में 12-13 साल की बच्ची तो मोस्टली कहते हैं ना सादा अल्फाजों में कि वो एक टोटल एक मेडिकल प्रोसेस से गुजरने लगती है, क्या उसकी शादी करा दे। 12-13 साल की लड़की की तो अभी एजुकेशन, उसने तो मैट्रिक भी नहीं किया होता, ठीक है, 5 में होती है 5-6, ठीक है, उसने अभी कोई मैट्रिक भी नहीं किया होता, ना उसको कोई फ्यूचर होता, ना उसको दुनिया का पता होता, ना उसे अभी किसी चीज की समझ होती है, और किसी से भी शादी करवा दो उसकी वो चॉइस है वो नहीं है। तो ये चीज तो मैंने भी देखा है यार, जो अब शहरों में तो ये चीज बहुत कम दिखने को मिलती है, लेकिन जो देहात वगैरह की तरफ हम चले जाते हैं ना, जो गाँव वगैरह, उसमें अभी भी यही सिस्टम को ना कंटिन्यू किया गया कि 12-13 साल की लड़की की शादी करा दो, चाहे जितनी मर्जी लड़के की उम्र हो। तो ये चीज है कि काइंडली आप लोग देहात में रहते हो या शहरों में रहते हो, शादी की एज 22-23 साल की उम्र में ही होनी चाहिए, ऐसी है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। और मुसलमान लड़कियों को इज्जत चाहिए, और मुआशरे के अंदर, मैं मुआशरे की बात करती हूँ, एक मुसलमान मर्द एक औरत को आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख सकता। वो कहते हैं कि ये बेहया है, ये शैतान का घर है, ये और ये कमारी है, ये मुआशरे के अंदर गुनाह फैला रही है, ये मेकअप करके आ रही है, ये बिना चादर के आ रही है, ये फरमा बरदार नहीं रहेगी, ये इसको पर लगे, मतलब इस तरह इतना इनसिक्योर है मुसलमान मर्द एक बढ़ती हुई औरत को देख के ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। फिर तरह तरह के फतवे उन पे लगाएंगे, तरह तरह के बद चलने के इल्जाम उनके ऊपर, और जब खुद कमाएगी तो आदमी उसको कुछ कह भी तो नहीं सकता ना, वो उसके ये कहते हैं कि बस हमारी गुलाम बन के रहे। अब बहुत माशरे में अच्छे लोग भी हैं जो कहते हैं क्यों, अगर अल्लाह ने उसको औरत बनाया तो क्या मतलब वो जी नहीं सकती है। तो अभी अच्छे लोग भी हैं, जब दुनिया से अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे तो ये दुनिया भी दोस्तों खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन बुराइयां ज्यादा है, बुरे लोग ज्यादा है, औरत को रिस्पेक्ट करने वाले जो है ना कम, और इंसल्ट करने वाले ज्यादा। देखो मैम ने क्या कहा कि मैंने कितनी ज्यादा अपील वगैरह मस्जिद के इमाम को, ईद की नमाज है, ईद की नमाज मस्जिद में जाके पढ़नी है, तो उनको वो परमिशन नहीं देगी, लेकिन जब वो सनातनी में आई, ठीक है, उन्होंने नवरात्र को कितनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर लिया, तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं वहां पे, वो भी तो कैसे। पहला जो इस्लाम मॉडर्न था उसमें औरतें मस्जिद में जाया करती थी, फिर ऐसा ऐसा मौलाना ने इसको अपना घर समझा। हमारे एरिया में बहुत सी मस्जिदें ऐसी है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो मर्दों के लिए होता है और ऊपर वाला खवातीन के लिए, और वहाँ पे सारी खवातीन है। लेकिन हम बात करें कि कंधे से कंधा मिला के एक ही लाइन में क्यों नहीं पढ़ सकते, जैसे खाना काबा में मर्द और औरतें इकट्ठे होते हैं, तो वो चीज तो आप, क्योंकि इस्लाम मौलाना के हाथ में आ गया है तो अब वो शरिया के मुताबिक इसको चलाएगा, और उसमें ये सभी को खुश होना पड़ेगा, ये नामुमकिन है जी। और खैर संस्कार बड़े अहम होते हैं दोस्तों, मैं कहती हूँ तालीम अगर आपको शऊर नहीं देगी ना, उस तालीम का कोई फायदा नहीं है, और वो तालीम से शऊर बेहतर, अगर आप अनपढ़ हैं लेकिन आपके संस्कार अच्छे हैं ना, तो आप उस बदतमीज पढ़े लिखे से बहुत अच्छे हैं, राइट, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो तो इसका सबूत इस तरह नहीं होगा कि कोई किताब लेके आए, आपको सवाल पूछे, आप उसका जवाब दो, पढ़े लिखे उसके संस्कार, हाँ, तो आपके अंदर आजकल के जो पढ़े लिखे लोग उनके अंदर एटिकेट्स ही नहीं है। हम अक्सर मैं ये कहती हूँ कि भाई वो जो पेंडू लोग हैं, वो जो गांव देहातों में रहते हैं, वो हम शहरियों से कई गुना बेहतर है, तमीज वाले हैं, राइट, ठीक है। और ये शहरी 4 जुमाते क्या पढ़ जाते हैं, ये तो कहते हैं कि मेरे अलावा दुनिया में अब कोई रहता ही नहीं है। तो तालीम का मतलब रट्टा ही है, यहाँ पर तालीम आपको ना अवेयरनेस दे रही है और ना ही आपको एटिकेट्स और मैनर्स सिखा रही है। तो मैनर्स घर से आते हैं, एटिकेट्स बच्चा घर से सीखता है, और सबसे बड़ी चीज वो अपने फादर से सीखता है,
मर्दों को स्पेसिफिक, क्योंकि कहते हैं किसी की बेटी को जज करना हो तो उसकी माँ को देखो, और अगर बेटे का किरदार देखना है तो उसके बाप को देखो। ये चीजें ऐसे नहीं बड़े फरमा गए, इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, गॉड ब्लेस यू।